सत श्री अकाल किसान वीरों, फार्मर्स वेलफेयर हब दे चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करना तुसी सारे सेहतमंद होगे। दोस्तों, अज आपां इस वीडियो च झोने नूं यूरिया ते होर जरूरी तत्तां दी मात्रा ते इन्हां नूं किहड़े टाइम ते पाउणा चाहीदा ते किहड़ियां खास गल्लां दा ध्यान रखना चाहीदा, इस सब ते इस वीडियो च चर्चा करांगे। सो जुड़े रहो इस वीडियो दे लास्ट तक तां जो सारी जानकारी तुहानूं मिल सके। तो जे चैनल ते नवे हो तो रैड बटन प्रेस करके चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो ता जो नवी एग्रीकल्चरल अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। दोस्तों, झोने की चंगी पैदावार लई आम तौर पर यूरिया जानी नाइट्रोजन तत्त की ज़्यादा वरतों की जाती है। इस वीडियो आपां पहली यूरिया तो लैके लास्ट डोज तक की चर्चा करांगे। तुहाडा झोना जिहड़ी भी स्टेज पर है उस हिसाब नाल तुसीं यूरिया की वरतों कर सकते हो। दोस्तों, इस बार मौसम शुरू तो ही गर्म रहा है ते मीह ना आउण करके किसानां नूं सोके दा सामना भी करना पिया है। ते हुण मौसम ठीक है, लगभग हर जगह ते मीह पै चुक्या ते पानी भी झोने च पूरा है। बहुत जगह ते दूजी या तीजी यूरिया दी डोज खेत च पै रही है। आपां पहली डोज तो शुरू करदे हां ते फिर आपां दूजी ते तीजी डोज ते भी चर्चा करांगे। दोस्तों, पहली डोज 12 तो 15 दिन दे विच रिकमेंड की जाती है, पर इस बार गर्मी होण करके ये डोज लेट भी हुई है। दोस्तों, पहली डोज च अद्धा गट्टा यूरिया यानी कि 25 किलो ते इहदे नाल जिंक 8 किलो ते ये जो जिंक है 33% जो मोनोहाइड्रेटेड जिंक है उहदी वरतों रिकमेंड की जाती है। तो उहदे नाल ही MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश भी अद्धा गट्टा आपां पहली डोज च पा सकते हाँ। तो जिथे जिथे झोना की जड़ चलन की दिक्कत है उत्थे माइकोराजा की वरतों भी कर सकते हैं। ये तिने चीज़ा यूरिया के नाल ही आप मिक्स करके खेत में पा सकते हाँ। तो जो खास गल ध्यान रखने योग है, जिंक के नाल फास्फोरस की वरतों नहीं करनी। जे आप फास्फोरस यानी कि DAP पानी है तो कद्दू तो पहले एक परत च पा देनी है। तो जे जिंक ते फास्फोरस इको ही परत च पै जान तो दोवें आपस च रिएक्ट कर जाएंगे तो दोवें आपदे तत् रिलीज़ करन दी क्षमता घटा देंगे, जिहदे नाल खेत नूं कोई खास फायदा नहीं होना सगो उल्टा नुकसान ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, हुण गल करदे हां यूरिया दी दूजी डोज दी, जिहदे विच एक बैग यूरिया दा पूरा यानी कि 45 किलो तो 50 किलो आपां खेत च पा सकते हां। तो ये 10 तो 15 दिन का गैप रखना है जो पहली डोज पाउणी है। तो जे एक वीक तो पहले मीह आ जाता तो उदों आपां दूजी डोज भी पा सकते हैं। तो हुण दोस्तों तीजी डोज की गल करते हैं, जिन्हों आपां 40 तो 45 दिनों के विच पूरा करना है। तो उहदे विच आपां एक बैग यूरिया का ते नाल 3 किलो सल्फर, तो सल्फर विच जाने कि 90% जो सल्फर होएगी उहदी वरतों कर सकते हैं। तो दानेदार सल्फर भी हो सकती है तो पाउडर की फॉर्म च भी हो सकती है। तो कई किसान वीर ये कैलडन यानी कि कारटेप हाइड्रोकलोराइड 4% जी की वरतों भी करते हैं जो कि पत्ता लपेट सूडी वास्ते होंगी है। तो इस बार ही ये दिक्कत अजे घट है। सो किसान वीर कैलडन ते खर्चा ना करन। जे 45 तो 50 दिनों के कोई पत्ता लपेट की समस्या आती है तो एक हल्की स्प्रे इमैक्टिन बेंजवेट की कर सकते हाँ, वो कैलडन नालों सस्ती पेगी। तो इस तरह किसान वीर आपका खर्चा भी बचा सकते हैं। दोस्तों, जो यूरिया की रिकमेंड डोज है 120 किलो यानी कि 2.5 गट्टे, इस तो ज़्यादा की वरतों ना की जाए। जे इस तो ज़्यादा आप वरतों करते हैं तो वो अपना ही नुकसान है, जिदे अगे आने वाले कीट या बीमारियां बूटा आपे ही सद्दा देता है। सो इस करके रिकमेंड डोज तो उत्ते डोज नहीं पानी चाहिए। तो ये नाल नाल मिट्टी की जाँच करा के जो भी जरूरी तत् की घाट मिट्टी तुहाडे है या एरिए हिसाब नाल है वो भी जरूर पूरी करनी चाहिए है ता जो फसल तो आप चंगा फायदा लै सकी। तो दोस्तों, जो यूरिया के नाल आप दूजे तत् पाने हैं उन्होंने चंगी तरह खाद के नाल मिक्स करके फिर ही खेत छिड़काव करना चाहिए है ता जो एक सार सारे न्यूट्रिएंट खेत नूं मिल सकन। ते खाद पाउण वेले आपदे हत्थां नूं चंगी तरह दस्तानियां नाल कवर करके फिर ही खाद पाउणी चाहीदी है। ते नाल ही कोई तजुर्बेकार बंदे नूं ही खेत च खाद पाउण लई लाउणा चाहीदा है तां जो खेत विच पाड़ा ना रह सके जां इक्को ही जगह ते ज़्यादा खाद पैण करके झोना बलन की समस्या ना आ सके। सो इन्हां गल्लां दा मेन ध्यान रखदे हुए खेत च खाद पाउणी चाहीदी है।
सो दोस्तों तुहानू ये जानकारी किवें लगी कमेंट करके जरूर दसो ते नाल ही नाल इस वीडियो नू दूजे किसानां नाल भी जरूर शेयर करो तां जो ओह भी इस जानकारी दा लाहा लै सकण ते फार्मर्स वेलफेयर हब दे चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लो तां जो नवीं ते ताज़ा अपडेट तुहानू समय सिर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, तुहाडा दिन शुभ।